हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आल्स बैंड बूस्टर। आज की वीडियो के असं गल करांगे आल्स लिसनिंग एग्जाम की। आल्स लिसनिंग एग्जाम दे विच बैंड स्कोर करना बहुत ईजी है जो तुसी थोड़ा जा ध्यान नाल सुनो और मेरे दिते हुए टिप्स इन्हां नूं तुसी अप्लाई करोगे तो आई एम श्योर, बिकॉज मैं खुद 9 बैंड स्कोर किए हैं, एक बार नहीं दो बार आल्स दे विच, एंड मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस मेरे उन्ना टिप्स तो काफ़ी अच्छे बैंड्स लए हैं। सो वॉच टिल द एंड। बट अगे जाने तो पहला जे थोनू वीडियो वधिया लगती है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेरा फर्स्ट टिप आज दे लई है कि तुसी आईएलटीएस एग्जाम रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने तो पहला तुसी वो क्वेश्चन देखो। जिहड़े भी सैक्शन दे क्वेश्चन तुसी आंसर करने हैं, यू शुड हैव अ लुक एट इट बिफोर हैंड, राइट। तुसी उन्हां तो पहला आंसर करन तो पहला ये आइडिया लो कि आंसर की हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुहानू पता लग जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि आंसर कोई नंबर है, कोई नाउन है, कोई एड्रेस लिखना है, कि तुसी एक्चुअल दे विच उत्थे आंसर की कर रहे हो। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू शुड रीड द क्वेश्चन। ओके, सेकेंड थिंग, क्वेश्चन पढ़ते हुए तुसी ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दे विच टेंस केड़ा यूज होया। जेड़ा भी टेंस क्वेश्चन दे विच यूज होया उहदे तो तुहानू ये आइडिया होएगा कि तुसी आंसर की लभना है रिकॉर्डिंग दे विच। पास्ट की गल हो रही है, प्रेजेंट की गल हो रही है, या फ्यूचर टेंस उत्थे यूज होया कि तां फ्यूचर की गल हो रही है। जदों तुहानू ये पता होएगा कि तुसी आंसर की करना है, आंसर किदां दा लभना है लिस्ट रिकॉर्डिंग दे विचों, तां डेफिनेटली तुहानू हेल्प हो जाती है। ओके, नेक्स्ट एडवाइस इज पे हीट टू द इंस्ट्रक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने जेड़ा सेट किया हुआ जिथे मार्क्स देने हैं उन्हें तुहाडे जो इंस्ट्रक्शंस दित्तियां हुई हैं तुसी उहदे अकॉर्डिंगली ही आंसर करना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंस्ट्रक्शंस होंदी है नो मोर दैन दिस नंबर ऑफ वर्ड्स, नो मोर दैन टू वर्ड्स, मतलब तुसी थ्री वर्ड्स नहीं लिख सकते। जो भी तुहाडा आंसर है वो टू वर्ड्स के अंदर अंदर ही होएगा या उस तो कट होएगा, वन वर्ड होएगा। ओके, सो ऑलवेज पे अटेंशन, ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ आंसर, ठीक है। आंसर के विच लिखा होंदा है कि तुसी एग्जामिनर नूं की चाहिए, नंबर चाहिए, नेम चाहिए, ऑप्शन चाहिए, ए बी सी डी लिखना है, वन टू थ्री लिखना है, की लिखना है। जदों तुसी आंसर चाहे तुसी राइट लिखता है, बट तुसी ऑप्शन जो ऑप्शन क्या ए बी सी डी लिखना है और तुसी आंसर पूरा लिखता, ठीक है, ए बी सी डी की जगह पर, तो इट्स रोंग, तुसी सही हो गए भी तुहानू मार्क्स नहीं मिल रहे। सो पेइंग अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्पैलिंग्स एंड पंचुएशन। एदा की मतलब है, जदों तुसी आंसर तुसी क्वेश्चन पहला पढ़ लिया तुहानू आंसर पता लग गया, हुण तुहानू पता है कि तुसी की लिखना है, बट जे तुसी उहदे स्पैलिंग मिसटेक करके दैन इट्स रोंग। एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग इज स्पैलिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम सानू आउंदे हुंदे बट असी कन्फ्यूज कित्थे हुंदे आ, एंड इवन मैं भी हुंदी सी, दैट इज फॉर द प्लूरल्स, कि वो अपनी कन्वर्सेशन दे विच बोलते बोलते दे से द प्लूरल और असी उन्हें सिंगुलर लिख दें, सो दैट इज वेयर यू लूज मार्क्स। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल वर्ड्स। पंचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर नाउन दे नाल तुसी कैपिटल वर्ड तो स्टार्ट करना है, या होर एक दो जो भी ग्रामर दे रूल्स हैगे तुसी वो फॉलो करने हैं फॉर पंचुएशन। सो उहदे विच की हुंदा है, देखो बेस्ट वे इज कि तुसी सारा आंसर ही कैपिटल दे विच अटैम्प्ट कर दो। सो उहदे नाल तुहानू ये टेंशन नहीं होएगी कि कित्थे मैं कैपिटल यूज़ करना है, कित्थे मैं स्मॉल यूज़ करना है। ओके, सो दिस इज़ वॉट आई यूज़ टू डू, पूरा आंसर तुसी कैपिटल्स दे विच ही कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बी वेरी केयरफुल अबाउट द चेंज्ड आंसर्स। आंसर्स चेंज हो जाते हैं रिकॉर्डिंग दे विच, जिन्होंने प्रैक्टिस की होएगी या एग्जाम दिता हुआ दे नो इट वेरी वैल कि कन्वर्सेशन होंदे हुए, कन्वर्सेशन चल रही है दो जनियां दी, उहदे विच आंसर पहला कुछ होर बोल देता। फॉर एग्जाम्पल, लेट से कि मीटिंग दी डेट डिसाइड हो रही है जे कन्वर्सेशन करते हुए, तो दे से ओके फाइन, आर यू फ्री ऑन सैटरडे,
then the other person, he says something that Saturday, I'm busy on Saturday, can we postpone it on Tuesday? But असी हुण आंसर की होएगा इहदा ट्यूजडे बट असी जल्दी दे विच सैटरडे ही मार्क कर दिए सो दैट इज रोंग इट्स वेरी कॉमन दैट स्पीकर्स दे चेंज द आंसर्स एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू दिस सो इहदा की हल है कि तुसी कन्वर्सेशन सुनो कन्वर्सेशन सुन के तुसी अपने अकॉर्डिंगली उहनू कॉम्प्रीहेंड करो तुसी अपने अकॉर्डिंगली उहनू पैराफ्रेज करो एंड एंड दे विच जो भी डिडक्शन हुंदी है जो भी तुसी कंक्लूजन कढ़दे हो उहनू तुसी आंसर दे विच लिखो ओके नेक्स्ट इज माई फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेक नोट्स जिथे भी थानू मुश्किल जिहड़ा भी सैक्शन थानू मुश्किल लगता है ड्यूरिंग प्रैपरेशन वी कम टू नो कि सानू आह वाला सैक्शन जी टफ लग रहा है फॉर एग्जाम्पल मैनू पर्सनली मैप्स बहुत टफ लगते थे और मेरा कुछ ना कुछ वो रोंग हुंदा ही हुंदा सी सो वॉट आई डिड वॉज मैं वो नोट्स बनाने स्टार्ट कर देंदी सी जिथे भी है जो भी वो बोल रहा है आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन मैं उन्होंने कॉपी के उपर पेज के उपर उदा ही लिख लेना ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਓਕੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਮਾਈ ਫਾਈਵ ਟੌਪ ਟਿਪਸ ਟੂ ਯੂ ਆਲ ਫੋਰ ਯੋਰ ਆਈਲਟਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਡੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗਾਇਸ ਕੀਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ